दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज से प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, एक निश्चित धन स्वयं का दुगुना हो जाता है यदि समय एवं ब्याज की दर समान रहे। ब्याज की दर ज्ञात करना है, कोई धन है ठीक है तो वो स्वयं का दुगुना हो जाता है यदि उसका समय और ब्याज की दर समान रहे, तो ब्याज की दर बतानी है। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे या समझेंगे, मान लेते हैं इसमें हमारा मूलधन है। मूलधन दिया नहीं गया तो हम मानेंगे यहाँ पर ठीक है। माना हमारा मूलधन यानी पी हमारा एक्स है ठीक है, इतने पे हमने मान लिया ठीक है, तो वो स्वयं का दुगुना हो जाता है ठीक है। तो स्वयं का दुगुना होगा यानी कि इसका मिश्र धन, तो मिश्र धन हम लिख लेते हैं ए से अमाउंट, मिश्र धन लिख लेते हैं 2x यानी कि दो गुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये मूलधन हो गया हमारा हमने मान लिया, ये स्वयं का दुगुना हो जाता है तो हमारा अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट मीन्स मिश्र धन बन जाएगा, तो ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब यहाँ से हम SI निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकालेंगे आप लोग ठीक है। तो उसमें हम निकालेंगे अमाउंट से माइनस कर देंगे पी को, पी मीन्स मूलधन को, मिश्र धन से हम मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो हमारा अमाउंट दिया गया है 2x, माइनस कर देंगे पी, और पी को हमने माना था एक्स ठीक है, तो हमने एक निश्चित धन मान लिया था एक्स। तो इस तरीके से फाइनल हमारा निकला क्या, एक्स निकल गया यहाँ से ठीक है। SI हमारा कितना हो गया, एक्स हो गया। तो ध्यान रखना यहाँ से अब हमारा यानी एक फार्मूला लगेगा इसमें सूत्र साधारण ब्याज का। तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला इसमें लग जाएगा ठीक है। हमने पी भी निकाल लिया, आर और टी बराबर दिया गया यानी समय और ब्याज की दर समान रहे ठीक है। तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, SI हमारा कितना निकल के आया था भाई, SI हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा x था, तो x की जगह पर x यहाँ पर लिख देंगे, और p हमारा कितना था x था, इसको ऊपर लिख देंगे, r तो r दिया नहीं है, तो r और समय यानी कि दर और समय दोनों बराबर थे, हम तो t को भी r लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर दर ही निकालनी है, तो t को भी r लिख लेते हैं, अपॉन में 100 रख लेते हैं इस तरीके से ठीक है। इधर ये x गुणे में है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा ठीक है, तो x अपॉन x हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे दोनों ठीक है यहाँ पर। तो चलिए हम आगे लिख लेते हैं, तो x अपॉन x लिख देंगे, इधर बचा हमारा r स्क्वायर अपॉन 100, तो x बन जाए x, x बन जाए x, इधर कितना बचा 1, अब ये इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो अब हमारा फाइनल आंसर बनेगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, तो r की वैल्यू आ जाएगी 10% ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आंसर निकला है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। स्टेप स्टेप आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से कोई भी प्रश्न होगा आपके सिलेबस में कहीं पर भी है, आप उसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा प्रश्न हमारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।